सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 8। लेकिन एपिसोड 8 शुरू करने से पहले और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों से एक बहुत बड़ी शिकायत है, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप सुनो उस चीज़ को और उस चीज़ पे काम करो। ये मुझे सीरियसली बहुत अजीब सा फील हुआ। देखो, जब हमने यशस ब्लॉग शुरू किया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि लव स्टोरी बेस्ड चीज़ें चलेंगी। डेली ब्लॉग्स का मतलब क्या था कि डेली लाइफ में जो ब्लॉग चलेगा, लाइफ में जो हम डेली कर रहे हैं, क्या हमारा रूटीन है, क्या हम चीज़ें करते हैं, या फिर जो भी एक्सप्लोर करें, चाहे वो ट्रैवल ब्लॉग हो, चाहे फूड ब्लॉग हो, मतलब जिस टाइप के भी ब्लॉग्स हो, वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। वो वही है हमारा पूरा का पूरा कॉन्टेंट। अभी लव स्टोरी बीच में आ गई है, लव स्टोरी की सीरीज़ आ गई है। सीरीज़ हमारा बताने का जो इंटेंशन था वो ये था ताकि लोग इस चीज़ को डीपली जान सके। लोगों को, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताती चीज़ है तो लोगों को बहुत इजी लगता था सब कुछ, तो हम चाह रहे थे कि हर एक फेज़ आप जानो जो हमने जिया है, वो आप समझो और आप अपनी लाइफ में जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो बहुत सोच समझ के लो। लेकिन मैंने अभी लास्ट जो आज जो ब्लॉग आया है उसमें मैंने कमेंट पढ़े, मतलब लोगों के कमेंट, मुझे कुछ लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत बुरा फील हुआ। जैसे कि उन्होंने बोला कि हम व्लॉग्स स्किप करके देखेंगे, कट करके देखेंगे तब जब आप लव स्टोरी दोगे। अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो मुझे फिर लव स्टोरी बनाना बंद ही करना पड़ेगा, मैं सीरीज ही बंद कर दूंगी। सीरियसली, आपको बेसिकली मेरा बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है लव स्टोरी का, कि मैं ज़्यादा बताती हूँ तो आप इमेजिनेशन आपकी चलती रहती है वो। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें मत करो। व्लॉग तो आएंगे यार कंटिन्यूटी में, क्योंकि व्लॉग का क्या है कि व्लॉग के लिए हम हैबिचुअल हैं। व्लॉग के लिए उठे, यहाँ गए, वहाँ गए, कैमरा उठाया, गुड मॉर्निंग हो गई, ये हो गया, पूरा बता दिया। लेकिन जो स्टिल वीडियो आपको बतानी है, जिसके लिए आपको, हमको पूरा प्रिपेयर होके बैठना है, प्रॉपर एक सेटिंग करनी है, प्रॉपर एक टाइम चाहिए, ठीक है। अभी देखो, आज यहाँ पे मेरे को बहुत डीप कट एक साहिब ने मारा है, ये और इनके हाथों में भी लगी हुई, क्योंकि हम पपीज़ को वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे जो हम नहीं कर पाए, और यहाँ पर इनको कुछ लग गया जिसकी वजह से इनका हाथ स्वेल हो रहा है। तो यार प्लीज़ समझो, हम कोई वो नहीं है, एक्टर नहीं है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं है, हमारी अपनी लाइफ है और हम दो ही लोग उसमें सारे काम करते हैं, जिसमें घर के बाहर के सब काम होते हैं। तो मुझे ये दिल से हर्ट फील हुआ जब आपने ये कहा ना कि हम स्किप करके देखेंगे। दिल से यार, ऑब्वियसली दिल से, आत्माओं से मुझे बुरा लगा। मैंने इस कमेंट पढ़े तभी मैं बोल रही हूँ कि ऐसा मत बोलो कि भाई हम अगर ब्लॉग डालोगे तो हम स्किप करके देखेंगे, हम आगे करके देखेंगे। ट्रैवल ब्लॉग आने वाला, तो ट्रैवल ब्लॉग आप तो देखोगे नहीं, देखोगे इसका मतलब, मतलब अब हम ट्रैवल करेंगे, घर जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो आप देखोगे ही नहीं इसका मतलब। तो बर्थडे ब्लॉग भी मत देखना मेरा, कुछ भी मत देखना। मैं काम करती हूँ, बर्थडे पे ब्लॉग बनाऊंगी ही नहीं, चलेगा मुझे लगता है आप लोगों को, क्योंकि आपको सब लव स्टोरी सुननी है, पास्ट ही जानना है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपको वो जीना ही नहीं है। मतलब क्या करें, आप सूली चढ़ जाएं, बस लव स्टोरी बता के ख़त्म कर दें। ऐसा मत करो यार, मुझे बहुत बुरा फील हुआ। मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, लव स्टोरी साथ साथ चलती रहेगी और हफ्ते में दो लव स्टोरी तो आएंगे ही एपिसोड, ये तो गारंटी है। लेकिन अब ट्रैवल में रहेंगे तो समझ सकते हो यार, हर तरीके से ऐसा नहीं होता। पिछले 1.5 साल से हम, मैं बोलूँगी कि पिछले 1.5 साल ऐसा गया है कि हम घूम ही नहीं पाए हैं ढंग से, हमने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड ही नहीं किया बाहर जाने पर, हनीमून जैसा कुछ मनाया ही नहीं है हमने। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, बहुत मुश्किल से कुछ प्लान हुआ है, अभी रिवील नहीं कर रही हूँ आपको, नहीं बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिर्फ दिखाऊँ, तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा आप लोग वहाँ पे कोऑपरेट करो, मुझे मतलब हम दोनों को, जहाँ पे मैं मुझे मैं बोलूँ वो हम दोनों हैं, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, ये चीज़ें मत करो। व्लॉग्स कंटिन्यूटी में चलते रहेंगे, लव स्टोरी भी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी, ट्रैवल व्लॉग भी चलते रहेंगे। आपको सबको प्यार देना है, क्योंकि सब में तो हम ही है ना, तो ऐसा कमेंट मुझे कभी भी किसी और के नहीं दिखने चाहिए प्लीज़। और फैमिली समझती हूँ, इसीलिए सामने से बोल दिया मुंह पे आके कि भैया ऐसे मत करो। अगर मुझे इस वाले लव स्टोरी में ऐसा सुनने मिला और मेरे अगले व्लॉग में लोगों ने कमेंट किए, तो मैं उसी क्षण लव स्टोरी सीरीज बंद कर दूंगी। मैं नहीं बताऊंगी आगे की स्टोरी कि क्या हुआ था, फिर आप पायल से सुन लेना, चलेगा आप लोगों को। तो देख लो, अगर मुझे एक भी कमेंट दिखा कि लव स्टोरी क्यों नहीं डाली, हम नहीं देखेंगे व्लॉग, हम स्किप करके भेजेंगे, हम कट करके देखेंगे, ये मुझे एक भी कमेंट देखा, मैं उसके बाद लव स्टोरी नहीं शूट करूँगी। सच बोल रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, मेरे ब्लॉग पर 10,000 आएंगे व्यूज़, मेरे को चलेगा, कोई बात नहीं। बट ये मत करो यार, ये मेरे को बुरा लगता है। प्लीज़, असली कहानी तो अब शुरू होगी। अभी तक तो आप लोगों को ऑलमोस्ट चीज़ें पता थी, मतलब ठीक है हमने डी में बताई लेकिन ऑलमोस्ट पता थी, जो हमने हर न्यूज़ चैनल पर बताई है। लेकिन जो हमने नहीं बताया कहीं भी, ना न्यूज़ चैनल पर, ना आप लोगों को, वो तो अब आएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो ही बताना ये एपिसोड में आज का, मैंने क्योंकि डुगू ने बोला कि चल कोई नहीं बना लेते हैं ये एपिसोड शूट करते, तो मैंने किया। वरना मेरा यही था कि नहीं अब व्लॉग ही शूट करूँगी, अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो व्लॉग ही शूट करते हैं, कोई बात नहीं। तो चल चल, कोई नहीं, चलता रहना।
चलो माफ कर दिया मैंने तुम लोगों को, कोई बात नहीं, प्यार करते हो तुम इसलिए माफ कर दिया, लेकिन ऐसे मत किया करो यार, ब्लॉग्स को भी प्यार देना है हमको, ठीक है? अब आगे ट्रैवल ब्लॉग आएंगे उनको बहुत सारा प्यार देना है, प्लीज एटलीस्ट ये समझ के प्यार देना कि हम 1.5 साल में निकलना चाह रहे हैं कहीं पे इतनी मुश्किलों के बाद, आप तो जानते भी नहीं हो लाइफ में कितना कुछ हुआ है, 15 मिनट के ब्लॉग में कुछ नहीं पता चलता, उसके अलावा 23 घंटे 45 मिनट्स, हाँ 45 मिनट्स, 23 घंटे 45 मिनट्स, आपको पता नहीं है क्या होता है लाइफ में। चलो ओके, चलो छोड़ो, माफ़ किया मैंने। तो भाई अब ये है हमारी यू नो फर्स्ट नाइट वाली बात। फर्स्ट नाइट का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे फर्स्ट नाइट इमेजिन करने लग जाओ, गंदी गंदी बात नहीं करो। फर्स्ट नाइट का मतलब ये है कि जब हम मिले थे उसकी फर्स्ट नाइट वाली बात, कि देखो मिले थे तो हग वग हुआ पहले बहुत देर तक, मुझे लगता है हमने शायद 40 मिनट 45 मिनट एक घंटा तो हग किया होगा, ऐसे होल्ड करके बैठे होंगे एक दूसरे को, हग वग कर रहे थे हम ऐसे, मेरे को तो अच्छा लगता है हग करना बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है। तो वही सीन चल रहा था, हग वाला ये वाला, फिर थोड़ा पारू वारू हुआ, थोड़ा थोड़ा पारू पारू हुआ, तो पारू पारू के बाद मैं थोड़ा सा रोने लग गई बहुत ज़्यादा वाला, याद है आपको? तो मैं एक्चुअली मैं डर गई बहुत ही ज्यादा, मैं रोने लगी थी बहुत ही ज्यादा ऐसे सिसके वाला, और मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों रो दी, मैं डर तो गई बहुत बुरी तरीके से, मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मेरे को सच में लिटरली मैं बता दूं मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मेरे को लगा या तो ये बिल्कुल ऐसी है कि इसको कुछ पता ही नहीं है, मतलब समझ रहे हो, इसको किसी चीज की नॉलेज ही नहीं है, पहले तो मेरे दिमाग में ये आया, और ये इसके साथ पहली बार हो रहा है ना ऐसे करके, जान वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं हम, तो क्या हो गया, ऐसे मत बोलो यार, अरे कुछ नहीं होता, मतलब हम मेरे को, मैं डर गई थी लिटरली कि इसको हुआ क्या है, क्यों भाई इतनी तेज तेज रोने लग गई, मैं उनको क्या हो गया क्या हो गया, मैं उनको ठीक है मैं जा रही हूँ, क्या हो गया, ऐसे हुआ था। तो वो सच में मैं बहुत तेज रोने लग गई थी ऐसे, या और एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना, अगर पता नहीं कितने लोग इस बात को मानेंगे या नहीं, मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों रोई, मैं प्यार में रोई, मैं दुखी होके रोई, या कुछ मिक्स इमोशंस थे, या फिर हमारा रिलेशन कुछ इस टाइप से स्टार्ट हुआ था कि मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि ये इंसान मुझे मिलेगी, और फिर ये मिली मुझे, और वो एक सुबह से शाम तक जो एक अटैचमेंट फील हुई मेरे को, और सबसे बड़ी बात मेरे को उस इंसान की क्या अच्छी लगी ना, पेशेंस भाई, मतलब जो उसका पेशेंस था ना कि ये मेरे पास बैठी थी घंटों, ये मुझे देखती रही सिर्फ, तो वो मैंने जो एक चीज़ देखी ना इस इंसान के अंदर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बहुत आजकल के लोग देखे हैं, मतलब जैसे लोगों को नहीं समझ में आता तो लोगों को फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, वो इमोशनली एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, चीज़ों को जानना नहीं चाहते, तो मैं अगर बोलूँ तो वो इमोशनली जो एक कनेक्शन था ना सामने बैठ के, जब बैठ के एक कोने पे ये बैठे थे तो दूसरे पे मैं, तो जो वो 1-2 घंटे ये मुझे ऐसे देखते रहे वाला, तो वो इतना ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो इतना ज़्यादा था ना कि मैं, मतलब बिल्कुल भी कुछ शब्द ही नहीं बने उस चीज़ को बताने के लिए। तो मैं अगर बोलूँ तो मुझे इस इंसान से ऐसा बेइंतहा वाला प्यार हो गया उस टाइम पे, नहीं भाई जो भी हो अब तो यही है ऐसे वाला हो गया, मैंने बोला कुछ नहीं बट वो हो गया। सो हमारा ये हुआ कि मैं रोना धोना मचा, उसके बाद ये बहुत डर गए कि भाई क्या हो गया, तो मेरे को पता है एग्जैक्ट इनको यही हुआ कि भाई मैंने कुछ गलत किया या कुछ गलत हुआ ऐसे करके, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, तो मैं हक करके मतलब इनको ऐसे रो रही हो, तो फिर ठीक है अपना। फिर उसके बाद अगली सुबह बड़ी खूबसूरत सी सुबह थी क्योंकि अब नया नया लगता है ना सब कुछ आपको प्यार में, ऐसे सब कुछ सुंदर लगता है, वो जो दुबड़ा लगा होता है ना घास वाला, वो भी हरियाली नजर आती है ऐसे मस्त कि भाई इन पे भी फूल खिलेंगे दुबड़े पे भी, तो वो एक मतलब एक इंटरनल फील आता है आपको हर चीज़ का ना कि सब कुछ अच्छा लगता है आपको। तो बहुत ही खूबसूरत सी सुबह थी, ये अंदर लेटे हुए थे, ये पता नहीं कुछ तो आप कर रहे थे अंदर, और मैं रूम के बाहर आके ना एक काम ही कर रही हूं कॉरिडोर, हाँ मे बी क्योंकि ऑफिस जाते थे ये भी और मैं भी, तो मैं फोन लेके अपने कॉरिडोर में बैठी हुई थी, कॉरिडोर में एक स्लैब पड़ा हुआ था और वहां पे मैं बैठी थी, तो मैंने एक मिलिट्री प्रिंट की एक टी शर्ट पहनी हुई है उसमें, और मैं वहां पे बैठी हूँ, तो जैसी मैं बैठी थी ना वहां पे फोन लेके, तो ये अंदर से आए, तो ये तो वीडियोज वगैरह बनाते ही थे। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, मेरे को इनसे इस चीज़ के लिए भी शर्म आती थी कि भाई, क्योंकि मैं इनको क्या समझती थी कि भाई ये तो बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट वन है, समझ रहे हो, मैंने कहा ये फोटो वोटो, मैंने कहा ये तो मस्त खींचती है ऐसे एडिट वेडिट मस्त करती है, रील वील बनाने में भी परफेक्ट है ये, मेरी तरह फूल पत्ती वाली नहीं बनाती ऐसे करके। अब इन्होंने आके वहाँ पे मेरी फोटोज़ खींच दी, मेरे को आए शर्म, मेरे को बहुत शर्म आ रही थी,
मेरे को ये था, अच्छा मेरे को स्टार्टिंग से ये था जब से मैं इनको मिली थी कि भाई आप मेरी तरफ ना ऐसे मतलब आई कांटेक्ट करके मत देखो, मेरे फेस की तरफ डायरेक्टली मत देखो। मेरे को अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि यार ये इतनी सुंदर है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं दिखती, तो उसको ऐसा ना लगे कि यार ये कैसे दिखती है, ये तो सुंदर ही नहीं दिखती, ये तो गोरी ही नहीं है, या फिर इसकी तो नाक लंबी है, ऐसा कुछ मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि देखो ये चीज़ इनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। और बहुत सारे लोगों के यहाँ पे भी शायद लगेगा कि नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने निकालते रहते हैं इसकी नाक तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, तो वैसी है। और एक टाइम पे मुझे अपनी नाक से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, मैं अपनी मम्मी से लड़ती थी मेरी नाक ऐसी क्यों है, मेरी शक्ल आपके ऊपर क्यों नहीं गई। मेरी मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर उस टाइम पे तो बहुत सुंदर थी, अब तो खैर गोलू मोलू हो गई हैं, किसी एक्ट्रेस से कम नहीं थी, एक्ट्रेस कम लगती थी उनके सामने। एक ना मूवी है आई मिलन की रात, उसकी एक्ट्रेस है, कभी आप जाके उसको देखना, मैं अपनी मम्मी की फोटो आपको दिखाऊंगी, कहीं मिल जाएगी आपको, नहीं यहाँ पे बिल्कुल सेम लगती है मेरी मम्मी उस टाइम में, आई मिलन की रात मूवी की जो एक्ट्रेस थी। और मोटे होने के बाद लगती है जो मम्मी हेल्दी होगी उसके बाद लगती है मम्मी अनुराधा पोटवाल जैसे, सेम टू सेम बिल्कुल। तो मैं मम्मी से मेरी लड़ती थी कि भाई मेरी शक्ल आप पे क्यों नहीं गई, मेरी शक्ल आपसे क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और मैं पापा पे थी अपने। फिर मेरे पापा के जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद, मेरी जो नोज़ है ये ऐसी नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ आज मेरी नाक का सच, मेरी नाक ऐसी नहीं थी, मेरी बचपन की फोटो डालना है यहाँ पे, मेरी नाक ना ऐसे कटी हुई थी जैसे इनकी, तो थोड़ी सी ऐसी निकली है मेरी, बिल्कुल यूं थी, बिल्कुल यूं समझ रहे हो, प्लेन यहाँ से इधर उधर कुछ नहीं था मामला। तो बचपन में मेरे को क्या हुआ ना, बचपन में मेरे को आदत हो गई यूं करने की, मैं अपनी नाक ना ऐसे ऐसे करने लग गई, उसके वजह से मेरी नाक लंबी होकर यहाँ पर जो एक हड्डी आपको उठी हुई दिखती है, ये जब ऐसे जो बच्चों की स्किन होती है वो बहुत बहुत सॉफ्ट होती है, जिस तरीके से आप उसको ढालोगे वो वैसे ही ढल जाती है। जैसे छोटे में बोलते नहीं बहुत सारे किसकी नाक उठा दो, बच्चों की नाक पीती होती तो बोलते उठा दो, तो मैंने छोटे में ना मेरी नाक ना यूं करनी शुरू कर दी बहुत छोटे में, ठीक है, उसके वजह से मेरी नाक की हड्डी यहाँ से निकल गई, मेरी नाक लंबी हो गई, ऐसी नहीं थी मेरी नाक, अच्छी थी मेरी नाक। फिर बाद में मेरे को जब लोगों ने बोलना शुरू किया मेरे पापा के जाने के बाद कि भाई मेरी शक्ल मेरे पापा से मिलते, तो मैं अच्छा मानती थी खुद को कि नहीं मैं जैसे भी दिखती हूँ मैं अच्छी दिखती हूँ। तो भाई वहाँ पे मेरे को यही फील हुआ, मैंने कहा पता नहीं इसको मैं कैसे लगूंगी करके। तो फिर उसके बाद में जब बाहर बैठी थी, इन्होंने फोटो वोटो निकाली, मैंने कहा यार मेरी फोटो निकाल रही है ऐसे सुंदर भी नहीं आएंगी यार, उसको कैसी लगेगी बाद में, घर जाके तो देखता ये बंदा कि अच्छा इससे मिल के आई थी मैं, ओ शिट इससे मिली थी मैं, इसके साथ पारो पारो हो गया, ओ शिट, मैंने कहा कहीं ऐसा रिग्रेट ना ले ले मन में। फिर उसके बाद निकाली थी, फिर भी मतलब आप मेरे से मांगते तो हुई ना फोटो, आपने ली तो थी ना। फिर उसके बाद वहां पे इन्होंने मेरे साथ रील शूट की मेरे को खींच के, ठीक है, तो वो ये दो तीन सॉन्ग्स पे रील थी और उस पर इन्होंने पहले अलग से सोलो रील बनाई हुई थी अपनी, जब मैं नहीं थी तब बनाई हुई थी, तो उन्होंने फिर वो मेरे साथ ना वही वाली रील बनाई ऐसे करके, ये दिल तेरी आंखों में डूबा बन जा मेरी तू महबूबा, ऐसे करके मेरे को खींच के। तो वो हमारी अगर वैसे देखा जाए साथ वाली तो पहली रील थी उस टाइम में, सबसे पहली रील वही थी, फिर वहाँ पे दो तीन रील्स और शूट हुई, बट वो अपने डाली थोड़ी थी कहीं भी, डाली हुई है इंस्टा उस पे है ना, पहले टिकटॉक पे, टिकटॉक पे शुरू में नहीं 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 वो सिर्फ बनी थी, ड्राफ्ट से सेव हुई है बस, डली नहीं थी वो, क्योंकि हम सोशल थे ही नहीं उस टाइम पे। तो भाई ऐसे ऐसे हुआ और फिर रील्स वगैरह बनी, मस्त मस्त इंजॉय कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी। तो उस टाइम पे ब्लॉगिंग तो कुछ होती नहीं थी और सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट भी नहीं कर रहा था, तो इतनी ज़्यादा शूट भी नहीं होती था कि भाई शूट कर ले हर मोमेंट, ये कर ले वो कर ले, नहीं नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद हम वहाँ पे हमने बहुत सारे रील्स शूट की, आपको यहीं आसपास दिख जाएंगी वो रील्स। मैंने एक मिलिट्री प्रिंट पहना हुआ है और उन्होंने एक ग्रे सी कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, डुगू ने वाइट नहीं ग्रे सॉरी हाँ ग्रे और ब्लैक ग्रे है मेरे हिसाब से। तो ऐसा ऐसा हुआ, मस्त मस्ती करते रहे हम। फिर हमने वहाँ पे घर पे वो याद है चाट लेके आए थे वो लोग, चाट हरिद्वार की पत्ते वाली, हाँ, याद है, हाँ, वहीं पे खाई थी। फिर उसके बाद ना हमको हमें लगाया शाम को कहाँ जाएं, तो फिर उसके बाद हम गए पैंटागन मॉल, पैंटागन मॉल हमने घूमा फिरा, फिर हम घूम फिर के फिर से वापस आ गए। तो फिर हम जब यहाँ पे फिर से वापस आ गए घूम फिर के, तो हमारे थोड़ी जान पहचान ज़्यादा हो गई थी डुगो और मेरी, फिर हमने ऐसे ही बातें की आपस में ऐसे करके। तो मतलब फिर इन्होंने मतलब मैंने कुछ तो बोला, हाँ हमारी जब पहले बात हुई थी ना सबसे पहले जून वाली, तो मैंने इनको एक बात बोली थी, मैं कैसे बोलूँ जो बोला था, कौन सी बात, मैंने इनको एक बात ये बोली थी, जब भी बहुत एटीट्यूड में बात करती थी, तू जा तेरे जैसे छत्तीस घूमती हैं फलाना ढिमकाना ऐसा करके, मतलब इन्होंने ऐसे गलत गलत वाले में नहीं बोला था, गलत वाले में मत लगे था ना, मतलब कि जिससे कि मतलब मैं इनके साथ अटैच ना हूँ।
तो मैंने इनको बोला कि एक बार मुझसे मिलके देखो और फिर मुझसे अलग होके दिखाना. मैंने ये डायलॉग मारा था, मैंने कहा एक बार मुझसे मिलो और फिर मुझसे अलग होके दिखाना. तो हमारी उस पर ही बात चल रही थी, तो मैंने इनको पूछ लिया कि भाई फिर अब क्या इरादा है. कुछ नहीं, चल रहा है, देखते हैं कैसे चलता है. अभी तक भी कमिटमेंट नहीं है, ऐसा पता है बातें इनकी ऐसी थी. एक चीज क्लियर तो कर दी कि अभी तक भी कमिटमेंट नहीं है. अभी तक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अभी तक. सब कुछ ऐसे आंखों आंखों वाला चल रहा है, साइलेंटली चल रहा है. तो मैंने कहा फिर अब क्या, कोई नहीं देखते हैं चल रहा है. मैंने कहा फिर कब मिलना होगा. अभी मिले हैं ना, अभी देखते हैं, अभी तो साथ है ना, वो तो स्पेंड कर ले टाइम जो साथ में. मैंने कहा ठीक है. फिर वहाँ पे भी पिक्चर चल रही है, दिल दा मामला है दिलबर, और ना वो हाँ वो वीडियो है, उसकी क्लिप यहाँ पे डाल देंगी अगर इनको लग रहा है तो डाल देंगे उसकी पूरी क्लिप है. मैंने 6 महीने का शूट, 6 मिनट का शूट किया था बट उतना नहीं डालेंगे. तो वहाँ पे पिक्चर चल रही है हमारी, पिक्चर देख रहे हैं आराम से बैठ के हम मस्त. मैंने कहा यार पिक्चर देखने आए थे. अच्छा, इसी दौरान पिक्चरें चल रही हैं, आराम से चाय वाय इंजॉय हो रही है. मैंने कहा यार, मतलब अब ऐसा होता ना, बनते सोचते हैं कि भाई मिला है तो चल अच्छा सा कोई टाइम स्पेंड करेगा, कुछ अच्छी रोमांटिक बातें होंगी. रोमांटिक के नाम पे वहाँ पे क्यों चल रहा था. मैंने कहा ये ऐसे ऐसे फ्लोट कर रही है. तो मैंने एक इनकी वीडियो बनाई जिसमें मतलब सामने बैठ के चाय की चुस्के मार रही है और उसकी तरफ देख रही है. मैंने कहा यार ये अपने आप को क्या समझती है ऐसे करके, भैया अपने आप को क्या समझती है, ऐसे मजाक वाला देख रही थी मैं. अंदर से तो मैं बहुत खुश थी. मैंने कहा यार इसको मैं ऐसे देखती थी रील्स में कैमरा पे, आज ये मतलब यहाँ पे आई है मेरे लिए, मतलब ऐसा, क्योंकि मेरे को तो पता था कि क्या चल रहा है इंटरनली. अच्छा, अब वहाँ पे ना एक फनी सी चीज़ आती है. इनको ना नहाने जाना था. ओ सॉरी, आप तो नहाते ही नहीं थे. कैसी है यार? नहाने जाना था इनको. तो इन्होंने मुझे बोला कि हम ना शैम्पू लाना भूल गए. हाँ, यहाँ के बाद में बताती हूँ भाई. मैंने इसको बोला, मैंने कहा हम लोग ना शैम्पू लाना भूल गए, तो भाई शैम्पू है क्या तेरे पास, मतलब मेरे को जो याद है मैं वो बता रही हूँ, बाकी तुझे जो याद है तो बता देना. तो इसने बोला हाँ है ना मेरे यूज़ में ले लो. तो भाई मैंने देखा पहली बार भाई, वो शैम्पू अजीब सा था. कौन सी कंपनी का था वो, कौन सी कंपनी का शैम्पू था? पूछा. तो मतलब मेरे को मेरे बालों की केयर करना बहुत पसंद था, तब तो ही पसंद था. और हम ठहरे क्लिनिक प्लस यूज में लेने वाले, हमने बचपन से क्लिनिक प्लस लगाया, हम आज भी क्लिनिक प्लस लगाते हैं, अभी अभी क्लिनिक प्लस लगा रही. वही बता रही थी मैं कि बस वही एक टाइम था मेरे बालों की केयरिंग का. मैं अपने बालों में शैम्पू और प्रोफेशनली लगा दी थी, शैम्पू कंडीशनर सिरम सारी चीजें लगा दी थी, मास्क लगा दी थी मैं उस टाइम पे. कंडीशनर भी नहीं, मास्क लगा दी थी मैं, क्योंकि भाई मेरे को अपने बालों से बहुत अतः प्रेम था. शक्ल से मुझे कोई लेना नहीं था अपनी, लेकिन बाल मुझे अपने बहुत पसंद थे. तो भाई इन्होंने ऐसे पूछ लिया कि शैम्पू, मैं हम ना शैम्पू लाना भूल गए, शैम्पू है तेरे पास? मैंने बोला हाँ सामने पड़ा है. तो कोई फोटो में ना आपको दिख भी जाएगा कि वहाँ पे एक जैसे टेबल होती है ना, तो वहाँ पे रखा हुआ है शैम्पू करके. तो इन्होंने ऐसे यूज़ किया और मैं ना एक चीज़ मैंने इनकी बहुत नोटिस की वहाँ पे. मैंने कहा यार ये क्या नाटक चल रहा है, दो मिनट में ये पकड़ाइयो क्रीम. मैंने सोचा अभी हाथों पे लगा क्या, सीधा मुंह पे भी लगा ले दोनों लोग, इनकी बहन भी और ये भी. मैंने कहा यार यही राज है इनके गोरे रहने का. मैंने कहा ये इसलिए गोरे गोरे हैं, हर टाइम तो ये क्रीम लगाते रहते हैं अपने मुंह पे, हर टाइम तो मैंने क्रीम लगाने के लिए. ठीक है, मैंने कहा यार इतनी क्रीम कैसे लगा सकते हैं. अब वो चीज इसको 8-5 साल बाद समझ आई है कि क्यों लगाते थे, अब इसके साथ भी वो दिक्कत होने लग गई. तो तब तक मेरे को ऐसा नहीं पता था कि भाई इनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, इनके हाथों पैरों में ड्राइनेस होती है अलग तरीके की, जो मुझे अब फील हुई है. मैं बताती हूँ, अगर हम जैसे हमने हैंड वॉश किए नॉर्मली पानी से भी किए, तो है ना हमारे ना हाथ, मतलब हमारे मेरी बहन को और मेरे को दिक्कत है, हमारे ना हाथ बहुत ऐसे कैड़े कैड़े से, और इतना गुस्सा आता ना किसी को पड़ मार दे, इतना गुस्सा आता था. तो हमें क्रीम चाहिए भाई उसके साथ, अगर हम कहीं जाते ना तो क्रीम अपने साथ लेके जाते हैं, और कुछ लेके ना जाए, मॉइस्चराइजर. तो वो भैया हमको चाहिए ही चाहिए, तो हम वो करते थे उस टाइम पे. और मैं सोचने लग गई, मैंने कहा ये तो गोरे गोरे हैं, मैंने कहा यही राज है भाई, हर 2 मिनट में क्रीम लगाते हैं ये. मैंने कहा हर 2 मिनट में कैसे लगा सकते हैं क्रीम. मैंने कहा मेरे पास तो है ही नहीं कोई क्रीम नाम की चीज़ ही नहीं है, मेरे पास तो क्रीम नाम की चीज़ ही नहीं थी. सोचो चलो भाई ये चीज़ हो गई, चलो मैंने कहा ये हो सकते हैं भैया ऐसे ज़्यादा हाई फाई वाले. उसके बाद मैंने भी वाइट शूज़ पहने थे, आपने भी वाइट शूज़ पहने हुए थे, है ना. अभी आप जाके पता चला है कि वो 170 रुपये के जूते थे. मैंने कहा ये तो यार इसको तो क्लास बढ़िया सेट है मस्त एकदम.
मैंने कहा व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनती है, काले काले कपड़े पहनती है, एकदम हॉट लगती है, आज पता चल रहा है 70 रुपए के जूते थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब हम लोगों ने ऐसे मस्ती वस्ती की थोड़ी, साथ में वीडियोस वगैरह बनाई काफी सारी पारू पारू करने वाली। फिर इन्होंने मेरे यहाँ पे बैक पे ना एक पेन से पायल और यशु लिखा था, पायल और यशु का करके लिखा था पेन से, यहाँ पे पता नहीं मैंने आपके लिखा था। तो हम ऐसे ना मस्तीबाजी कर रहे थे एक दूसरे के, तो ये ऐसे कभी मेरे पैरों की तरफ जाके ना ऐसे गुदी गुदी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, तो मैं देख रही हूँ इनको, मतलब समझ रहे हो कुछ ऐसे चल रहा था कि लाइक कैसे समझाऊं मैं। बहुत जैसे अब मेच्योर लोग तो ऐसा नहीं करते भैया, अभी से पहले पहले आप मिलते हो तो ज्यादा तो क्या ही करोगे, फिर ऐसे छेड़खानियां करते रहते हो। मेरे को छेड़खानी करने से लग रहा है डर कि भाई अभी फोन पर कुछ दिन पहले ऐसी थी, ऐसा तो नहीं कि ताड़का का रूप धारण कर लेगी, बोलेगी डूड तू मेरे से दूर ही रहे, ऐसा वाला। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। और एक चीज ना मैं आपको ना इनकी एक चीज बताती हूँ आज, जो मैंने आज तक कभी इनको भी नहीं बताई, मैं आपको बताती हूँ। डगू के अंदर ना एक चीज है स्टार्टिंग से ही, पहले ही दिन से मैंने नोटिस कर ली थी, अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं ना सुनेंगे अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं ना तो या तो हम मार्केट के बीच में चल रहे हैं तो ये मुझे हमेशा या तो भीड़ वाली, अगर इधर भीड़ वाली साइड और मैं इधर चल रही हूँ तो मुझे इधर कर लेंगे कि तू इधर आके चल, ऐसे रीजन नहीं देंगे कभी कि नहीं कुछ ये तू इधर हो जा, तू इधर आके चल, तू इधर आ, ऐसे बस ये होता है कि तू इधर आ। अगर हम रोड पे नॉर्मल चल रहे हैं लाइक जो गाड़ियों वाला रास्ता चल रहा है और मैं गाड़ियों वाली तरफ और ये इस तरफ है तो ये मुझे तुरंत इधर कर लेंगे तू इधर आ। तो वो जो चीज़ है ना एक, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मुझे रास्तों पे चलना नहीं आता, ऑब्वियसली मैंने जिंदगी के 25 साल 26 साल ऐसे ही निकाले हैं, अकेली रही हूँ मैं इतने साल और अकेले ट्रैवल करती थी रात को भी दिन में भी, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। बट वो मुझे एक प्रोटेक्टिव नेचर अच्छा लगता है, इनके सामने ऐसे बच्चा बनना अच्छा लगता है उस चीज़ को लेके। तो वही ये करते थे हमेशा कि भाई तू हाथ पकड़ के इधर, मतलब करते हैं ना, करते हैं तो ऐसा ये हमेशा करते हैं। तो भाई ऐसे ऐसे करते करते जो ये मैं आपको बता रही हूँ, फिर हमारा लास्ट जो रुकने का दिन था वो था 12 नवंबर, तो उस टाइम पे गुरुपूरब था 12 नवंबर को। तो उस दिन हमने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह बनाई, वीडियोस वगैरह बना के जो ये सजदा करा मैं दूजा रबनू, मैंने वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी उसमें, बहुत सारी रील्स हैं हमारी, वो सारी रील्स हमने तब बनाई। और मैं फिर उनके बाद ना पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ जब ये सोलो रील बना रहे थे अपने, क्योंकि इनको ना आईफोन का बहुत शौक था तो ये बस वहाँ पे फोटोज खींचना वीडियोज बनाना यही काम करते थे ज़्यादातर। बातें हमारी कोई बहुत खास नहीं हुई क्योंकि फ्रेंड्स लोग भी साथ में थे तो इतनी बातें कहाँ ही होती हैं, और घूमना फिरना चलता रहा साथ में। वैसे जिस दिन ये वीडियो देखेंगे उस दिन भी गुरुपूरब है। हाँ यस, और मैं बता दूँ कल भी गुरुपूरब है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी गुरुपूरब वाले दिन की बात है। उसके बाद हमने रील्स वील्स बना के फटाफट पैकिंग वैकिंग की, वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि मेरे को तो मैं अगर किसी से अटैच हो जाती हूँ ना तो फिर मेरा तो ऐसे दिल फटने लग जाता है। अब मेरे को ये हो रहा कि यार क्या करें क्या करें। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई ना कि इनको जाना था लुधियाना और हरिद्वार से ना तो इनको कोई कैब बुक हो उस दिन गुरुपूरब के वजह से, ना इनको बस मिले ना कुछ मिले, ट्रेन भी नहीं थी कोई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि अब कैसे करना है, क्योंकि ये जॉब करते थे उस टाइम पे तो इनको ऑफिस भी जाना था, ऑलरेडी हमने 3-4 दिन स्पेंड कर लिए थे। इसके आगे मत बताना क्यों, बस यहीं पे एंड करते ना, कल बताएंगे ना फिर, मतलब नेक्स्ट उसमें। देखो मेरी तो कोई गलती नहीं है, जैसे करोगे जैसे करनी वैसी भरनी, और बोलो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया वीडियो। चलो तो यहीं पे ख़त्म करते हैं कि इनको कोई कोई कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ से निकलने के लिए हरिद्वार से। यस चलो तो हमें कैसे मिला, हम कैसे घर पहुँचे और वो जाने के टाइम पे क्या फीलिंग्स थी वो बताएंगे। आज मेरे को तो बोलने का मौका मिला नहीं क्योंकि मेरा कोई पार्ट था नहीं खास। हाँ और इनकी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, क्रीम लगाने वाला। अच्छा अपनी तो बता दे प्रॉब्लम कि अब तेरे को भी वैसी होती है। जब 5 साल के बाद ना मेरे को ना जब मैं अब हाथ धो के आती हूँ ना कुछ भी काम करके तो मेरे पूरे हाथ और स्किन ना मेरी खिची खिची हो जाती है, तो मेरे को इनसे कहना पड़ता क्रीम देना। पहले बहुत हंसी थी ऐसा मुझे, कभी नहीं हुआ ऐसा मुझे। चलो छोड़ो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे। और इस वाली एपिसोड को एपिसोड पे मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत कमेंट्स कितने बता दे पता जल्दी, कमेंट्स चाहिए गाइज 2000। हाँ बस, क्योंकि 15 तो आपने वैसे ही कर दिए थे यार, है कि नहीं? बिल्कुल 2000। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड आई लव यू सो मच।
इतना सारा प्यार देने के लिए. देखो लव स्टोरी तो हमारी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ब्लॉग्स भी हमारे हैं, तो उस पर भी बराबर प्यार दो. भेदभाव से मुझे सख्त नफरत है. Yes. भेदभाव नहीं, किसी भी चीज में फर्क मत करो, ना तो ब्लॉग में, ना तो ट्रैवल ब्लॉग में, ना तो फूड में, ना तो लव स्टोरी में. सब में इक्वालिटी रखो. अपन इक्वालिटी में बिलीव करने वाले लोग हैं. ठीक है. Yes. चल चल, बाय बाय.